नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। डीसीजीआई की विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक को अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के लिए तीसरे फेज के श्रेष्ठता अध्ययन और फेज 3 बूस्टर खुराक अध्ययन के संचालन के लिए मंजूरी दे दी है और इसे अनुमोदन के लिए प्रोटोकॉल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब थप्पड़ मारकर सॉरी बोलने की प्रथा खत्म करनी होगी। यह टिप्पणी करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट पर अवमाननापूर्ण आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। जल्द ही 9 गुना तक मिनिमम पेंशन बढ़ सकती है, यानी हर महीने 9,000 रुपए तक मिनिमम पेंशन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सरकार एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम कर्मचारी पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स को यह तोहफा देने जा रही है। देश भर में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। देश में केवल 8 दिन में बढ़ रहे हैं लगभग 10 गुना कोरोना मरीज को देखते हुए देश में केवल 8 दिनों में इतनी तीव्रता से बढ़ रहे कोविड को लेकर चिंता जताई गई है। दरअसल 27 दिसंबर को केवल 6,000 मामले सामने आए थे और आज 58,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड ने राज्यवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई हिस्सों में तेजी से पारा गिरा है। आलम यह है कि कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते दिन में भी लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। IMD ने खुद आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दी है कि बिहार के दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी में दिन का पारा सामान्य की अपेक्षा से 3 से 4 डिग्री और उत्तर पूर्वी बिहार के ज्यादातर जिलों में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के बिना लक्षण वाले कोरोना रोगियों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पॉजिटिव होने के 7 दिन और 3 दिनों तक लगातार बुखार नहीं आने के बाद होम आइसोलेशन के तहत रोगी को छुट्टी दे दी जाएगी और आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर एक बार फिर तेजी से पैर पसार रही है। रोज ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के अलावा अन्य सख्तियां भी शुरू कर दी गई है। साथ ही खास बात यह है कि आने वाले कुछ महीने में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव का आयोजन होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिहार के ब्रह्मदेव मंडल मधेपुरा जिले के पुरौनी प्रखंड के अंतर्गत औरैया गांव के रहने वाले हैं। खुद ब्रह्मदेव ने बताया है कि इन्होंने पिछले 10 महीने में अलग अलग स्थानों पर जाकर 11 बार टीका लगवाया है। इनका कहना है कि टीका लगने के बाद इनके घुटने का दर्द कम हो गया है। यही कारण है कि एक के बाद एक टीका वो लगवाते गए हैं। उन्होंने लंबे समय तक ग्रामीण चिकित्सक का भी काम किया है। वो मोबाइल नंबर बदल बदल कर टीका लेते थे, कभी आधार कार्ड तो कभी राशन कार्ड से भी टीका लेने का काम उन्होंने किया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने चुनावी मैराथन रैलियों पर ब्रेक लगाने का फैसला किया है। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस बेटी हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत अलग अलग जिलों में मैराथन रैलियों का आयोजन कर रही थी, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इन तमाम रैलियों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। बताया गया है कि जल्द ही तमाम चुनावी रैलियों को रद्द करने का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में होने वाली रैली भी रद्द कर दी है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 58,097 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15,389 लोगों की रिकवरी हुई है और इस दौरान 534 लोगों की जान भी चली गई है। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बाद उनकी बेटी सना गांगुली भी कोविड की चपेट में आ गई है। गांगुली के भाई और उनकी पत्नी को भी कोरोना हुआ है। हालांकि पॉजिटिव आने के बाद कोरोना से संक्रमित सभी सदस्यों को घर के अंदर ही आइसोलेट किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राइबर्स के लिए एक अच्छी खबर है। नए साल में उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। फरवरी में होने वाली श्रम मंत्रालय की एक बैठक के एजेंडा में ये विषय शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हर मोर्चे पर हमला लगातार जारी है। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर कहा है कि अब बहुत हो चुका है, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। देश के कई राज्यों में आज भी पेट्रोल 100 रुपए तो डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर साफ कहा है कि दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के तौर पर 1984 बैच के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को जायज ठहराया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली को सार्वजनिक व्यवस्था को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण है और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राकेश अस्थाना जैसे अधिकारी को दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त करने की आवश्यकता थी।
उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में दावेदारों को उतारने के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों ने कसरत तेज कर दी है, लेकिन टिकट बंटवारे की प्रक्रिया में कांग्रेस भाजपा से एक कदम आगे चल रही है। ऐसे में कांग्रेस की पहली सूची जल्द ही जारी हो सकती है। उधर सत्ताधारी भाजपा में 70 सीटों के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की पैनल तैयार करने की डेडलाइन आज पूरी हो गई है, जिसके बाद प्रदेश स्तर पर पैनल फाइनल कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का समय लगना तय है, यानी कि कांग्रेस की पहली सूची भाजपा से पहले आना तय है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ कहा है कि उनकी सरकार राजधानी दिल्ली में संत रविदास मंदिर के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन के लिए मांगी गई पूरी रकम देने के साथ ही मंदिर निर्माण पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करने के लिए तैयार है। आरसीबी टीम के स्टार खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आईपीएल 2022 के लिए आरसीबी ने 3 ही खिलाड़ी रिटेन किए थे, पहले विराट कोहली, दूसरे ग्लेन मैक्सवेल, तीसरे मोहम्मद सिराज। इस समय ग्लेन मैक्सवेल बीबीएल यानी कि बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीएल में उनकी टीम मेलबर्न स्टार्स ने कन्फर्म किया है कि ग्लेन मैक्सवेल की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि अभी आईपीएल शुरू होने में काफी समय है, लेकिन फिर भी आरसीबी मैनेजमेंट को चिंता जरूर होगी कि मैक्सवेल कब तक ठीक हो पाएंगे। दिल्ली में 8 जनवरी से आयोजित 30वां विश्व पुस्तक मेला स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने स्थगन का करना दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को बताया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के आए दिन बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इस बाबत अपनी सहमति दे दी है। वहीं मंत्रालय के आदेश बाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने मेले के स्थगित होने की सूचना साझा की। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक की खबरें आती रहती हैं, जिसको लेकर नेताओं की बयानबाजी भी होती है। इन्हीं बयानबाजियों के बीच मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसल गई। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक और सरकार में खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री कह दिया। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में हो रहे 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में पहुंचे थे। भारत में कोरोना अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि 534 लोगों की जान गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना और ओमिक्रॉन की मार झेल रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले 464 है। इसी को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि देश में तीसरी और दिल्ली में पांचवीं लहर आ चुकी है। ऐसा लगता है कि आज लगभग 10,000 पॉजिटिव मामले आएंगे और पॉजिटिविटी रेट लगभग 10% होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिरोजपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पंजाब पहुंचे। वो यहां पर 42,750 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते देखे गए, जिसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और PGIMER सैटेलाइट केंद्र शामिल रहा। देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के ट्रॉमा सेंटर को एक बार फिर से कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस कदम का डॉक्टरों ने विरोध किया है और कहा है कि ऐसा करने से जो नॉर्मल ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीज हैं उनके लिए बेड, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर की कमी हो जाती है, जिससे आकस्मिक मामलों को अटेंड करने में परेशानी होती है। इसके साथ ही डॉक्टरों ने बताया है कि इससे सभी विभाग जनरल, न्यूरो या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी काफी अलग अलग हो जाते हैं। इससे मरीज और डॉक्टर को काफी परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2022 के मौके का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही होने वाली है, लेकिन इससे पहले राज्य के 4500 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्रधानाचार्य के करीब 7,000 के पदों के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। दरअसल सीमा सुरक्षा बल ने विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट recett.bsf.gov.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। लंबे समय से नीट यूजी काउंसलिंग 2021 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक देश भर के मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग 2021 जल्द शुरू की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की प्रतिभा स्थापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें मुख्यमंत्री के पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह वैद्य की प्रतिमा बख्तियारपुर में लगाई जाएगी। साथ ही साथ उनकी प्रतिमा स्थल पर हर साल 17 जनवरी को राजकीय समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा में पहले ही एक वाटिका का निर्माण करा रखा है।
कोविड के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने इस मुद्दे पर बैठक भी की थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। भारत समेत कई देशों में सरकारें फिर से प्रतिबंध लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका असर सेवा क्षेत्र की गतिविधियों पर भी पड़ा है और यह दिसंबर में 3 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले कहा है कि उन्हें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए भारत रत्न की घोषणा जरूर करनी चाहिए। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैला। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट भी सामने आने की आशंका है। WHO के सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन स्मॉलवुड का कहना है कि ओमिक्रॉन की तेज संक्रमण की दर का उल्टा असर भी पड़ सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शुभम गोलू कुमार, सरोज सर, अजय भारती, आर के रजनीश यादव, निशा भारती, रमानंद, मुकेश कुमार, इंडियन आर्मी लवर, सोनी कुमारी यादव जी, विवश कुमार दास, अखिलेश कुमार, राधेश्याम शाह, राज गेमिंग, ईशा कुमारी रॉस। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।